स्वच्छता अभियान के मौके पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पहुंचा ग्रामीणों के बीच। जी हां, जहानाबाद मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के डॉक्टर जहीर अहमद हाई स्कूल ढोड़ा के मैदान में स्वच्छता अभियान पखवाड़े के अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार झा और जहानाबाद जिला परिषद की अध्यक्षा रानी कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आज आपके द्वार है और सरकार यह चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस डिजिटल युग में बैंक से जुड़े, जो भी लेन देन करें वो डिजिटल तौर पर किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना पड़े। आज सभी घर में इंटरनेट और मोबाइल मौजूद है, जिससे आप बैंक के काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बैंक द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई महत्वपूर्ण ऋण योजना बैंक द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी उद्योग लगाकर अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सके। देश तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग पीछे न रहें, इसलिए सरकार और बैंक आपके पास आई है ताकि आप भी बैंक से जुड़े और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर बैंक के सभी योजनाओं से लाभान्वित हो। वहीं इस मौके पर जिला परिषद की अध्यक्ष रानी कुमारी ने कहा कि बैंक द्वारा स्वच्छता अभियान के मौके पर इस तरह के बड़े आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंक और बैंक के नेटवर्किंग से जोड़ने के लिए और महिलाओं को बैंक के काम के आदान प्रदान को समझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतर है। मैं चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वह सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उससे बेहतर ढंग से जाने और बैंक द्वारा लाई गई योजनाओं को समझें। मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। आज जो है स्वच्छता से सेवा का अभियान चल रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता से सेवा का प्रोग्राम हमारे बैंक के द्वारा अलग अलग गांव में जाकर के आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर देने के लिए, मन की स्वच्छता, कर्म की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता पर काम करने के लिए मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनको हम यह भी बता रहे हैं कि जो आपके खाते हमारे यहाँ डॉर्मेंट हैं, जो चल नहीं रहे हैं, उन खातों को आप चलाइए। जो खातों में आपने नॉमिनेशन नहीं डाला है उसमें नॉमिनेशन डलवाइए, क्योंकि अगर नॉमिनेशन खाते में नहीं रहता है तो किसी के गुजर जाने के बाद उनके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी से कागज बनवाना पड़ता है। उसी तरह से हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको पेंशन से संबंधित कोई दिक्कत है खाते से, तो वो भी एक वीक चल रहा है हम लोगों का, तो पेंशन से रिलेटेड कोई इशू हो बैंक से तो आप वहाँ आ करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे खाते ऐसे हैं जो कि डिसीज्ड हो गए हैं, उनको डेथ हो गया है उनका, उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने अपने बैंक में जाकर के पैसे उनके निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उन लोगों के लिए भी ये पखवाड़ा जो है हम लोग मना रहे हैं कि कोई इस तरह का अगर कोई केस है तो वो इसका रिजॉल्व जल्दी से करें। इसके अलावा साथ साथ FLC का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है सामाजिक सुरक्षा स्कीम में जनधन योजना के खाते खोलने के लिए, सुरक्षा बीमा करने के लिए, जीवन ज्योति बीमा कराने के लिए, APY कराने के लिए। इसके अलावा हम लोग सब लोगों से बोल रहे हैं कि जो भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आपकी मिट्टी का जो ये बैंक है, ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, वो हमेशा आपके साथ। KCC का ऋण हो, चाहे जीविका दीदियों का ऋण हो, चाहे आंगनवाड़ी के दीदियों, जिनके लिए हम लोगों ने ग्रामीण हाउसिंग लाया है, ग्रामीण आवास छोटे अमाउंट का, जो दूसरे बैंक नहीं करते हैं, हम लोग छोटे छोटे अमाउंट के बैंक ये आवास ऋण कर रहे हैं इस जीविका दीदियों के लिए, इन आंगनवाड़ी की सेविकाओं के लिए, इन आशा दीदियों के लिए, और जिन लोगों को इंदिरा आवास योजना या PM प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपया मिला है और उनका घर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी हम लोग 70,000 रुपये का लोन लाए। तो हम ये सारे जो हमारी स्कीम्स हैं वो बताने के लिए अलग अलग जगह पर कैंप कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इस स्कूल जो है ये रामचंद्र राम
मध्य विद्यालय के प्रांगण में आज हम लोगों ने किया है। हम लोगों को यहाँ के इतिहास के विषय में भी बता रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, अपने जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको भी आप हमेशा ध्यान में रखिए और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दीजिए, मन कर्म और वचन की स्वच्छता के ऊपर काम करिए।